sea beaches, breakwater, waterfall, temples, national park, tea gardens, इन सब का आनंद एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है केरला में, जिसे गोल्डन कंट्री भी बोलते हैं। मैं अभी कोचिन में हूँ और अपने केरला टूर का आरंभ कोचिन के एर्नाकुलम शिवा टेम्पल से किया। इस वीडियो में मैंने फोर्ट कोचि, हैंगिंग ब्रिज और अथिरापल्ली वाटरफॉल को कवर किया है। आपको एर्नाकुलम जेटी से फोर्ट कोची के लिए फेरी मिल जाएंगी, जिसका किराया ₹4 पर पर्सन है। आप मेरे टाइम से फोर्ट कोची साइटिंग के लिए सिप भी ले सकते हो, जिसकी फेयर अराउंड 150 पड़ेंगे। फेरी से निकलते ही आपको ऑटो मिल जाएंगे साइटिंग के लिए, जिनके चार्जेस 350 होते हैं और वे सारे मेजर जगह कवर करते हैं। ये चाइनीज फिशिंग नेट है, जो 500 सालों से फोर्ट कोची का एक फेमस टूरिस्ट पॉइंट बना हुआ है। ये 500 सैगुन के खंभों से निर्मित लिफ्ट नेट है। आमतौर पर एक चाइनीज फिशिंग नेट को 5 से 6 मछुआरों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। चाइनीज फिशिंग नेट से वॉकिंग डिस्टेंस पे सेंट फ्रांसिस चर्च है, जिसे 1503 में बनाया गया था। यह चर्च भारत के सबसे पुराने यूरोपियन चर्च में से एक है और इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ₹1524 में पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा का निधन हो गया था। उनके शरीर को इस चर्च में दफनाया गया था, लेकिन 14 साल बाद उनके अवशेष लिस्बन में हटा दिए गए। वास्को डी गामा का समाधि का पत्थर अभी भी यहाँ देखा जा सकता है, जिसे देखने टूरिस्ट खींचे चले आते हैं। प्रिंसेस स्ट्रीट चाइनीज फिशिंग नेट के ठीक अपोजिट में ही है। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पर कैफे भी हैं। ये डच पैलेस म्यूज़ियम है। ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है और ना ही वीडियोग्राफी अलाउड है, पर अंदर में कुछ पेंटिंग्स हैं और डच से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन भी हैं, पहले के समय के कॉइन्स भी हैं। डच पैलेस के अपोजिट में ही मुझे कई सारे शॉप दिखे, जहाँ सोपिनियर्स के काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे। जीव्स टाउन जिस पीपल का भारत में सबसे पुराना सेटलमेंट है। ये स्ट्रीट प्रिंसेस स्ट्रीट से बहुत अलग है। यहाँ पर आपको एंटीक्स के कई सारे पुराने शॉप देखेंगे। मैं परदेसी सिनागॉग देखने के लिए ह्यूस्टन आया था, पर हॉलीडे होने की वजह से बंद है। आज सैटरडे है और ये बंद है। सैटरडे और जिस हॉलीडे के दिन बंद होता है, तो आप आने के पहले एक बार चेक कर लीजिएगा अपना शेड्यूल। ह्यूस्टन में इस पुलिस म्यूजियम को भी जरूर विजिट करें, यहाँ पे आपके जानकारी के लिए काफ़ी कुछ है। Thank you.
ये जगह पुलिस म्यूजियम के ठीक पास में ही है। वापस फोर्ट कोची आ गया हूँ शाम का माहौल देखने के लिए। हाँ, और ये 600 का। हेलो हेलो हाय, ये कितने का लेते सर? ये 850 किलो। 850 पर किलो तो बहुत कर रहा है। ये छोटा साइज की सही सेम इधर ट्रेन रही थी 550 आधा किलो ले लो। अभी एक आएगा बाद में देगा। यहाँ पर फीचर्स के प्राइस सभी दुकान में करीब एक जैसा मिलेगा। मैं यहाँ पर रुका हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा लगा है। अभी ये शाम का 6:30 है और एक फिश फ्राई करके खानी है मुझे। सारा दिन ट्रैवल करने के बाद अगर कोई ऐसी जगह मिलती है जहां आप रिलैक्स कर सके हो तो उसका आनंद अलग ही होता है। ठीक उसी तरह मैं अभी सुभाष बोस पार्क में आया हूं, जहां पर से बोट छोड़ती है, फेरी छोड़ती है फोर्ट कोची के लिए, ठीक उसके पास में ही है। यहां का माहौल बहुत ही अच्छा है। अगर आप किनारे पर जाओगे तो समुद्री हवाएँ भी आ रही हैं। ये पार्क अच्छी खासी बड़ी है, यहाँ पर आप घंटों एक्सपेंड कर सकते हैं आफ्टर इवनिंग। आज का ट्रिप इस पार्क के विजिट और रिलैक्स के साथ कंप्लीट होता है। कल मैं निकलूंगा मुन्नार के लिए और रास्ते में कुछ वाटरफॉल्स भी देखूंगा। इसके लिए मैंने एक टैक्सी बुक किया है अपने 5 डे ट्रिप के लिए, जो मुन्नार, तेकदी और एलएपी तक कवर करेगी। आज का प्लान मेरा मुन्नार जाने का है, पर उसके पहले मैं अतिकापल्ली वाटरफॉल भी देखूँगा। आज मेरा कोची में दूसरा दिन है। आज की शुरुआत मैंने श्री पूर्णाधराईसा टेम्पल से किया, जो फोर्ट कोची से लगभग 18 किलोमीटर दूर है। इसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। इस टेम्पल के बाद मैं अब जा रहा हूँ नेक्स्ट अथिरापल्ली वाटरफॉल, जो यहाँ से अराउंड 70 किलोमीटर होंगे। ब्रेकफास्ट के लिए हम रास्ते में होटल में रुके। ये हमारा ड्राइवर है जो मेरे हमारे साथ 5 दिन के ट्रिप पर है, और इन्होंने इस होटल को लाया है मुझे। मेरा ये ऑर्डर है यहाँ का लोकल। यहाँ पर लोग थोड़ी गर्म पानी सर्व करते हैं, बॉइलिंग वाटर जो अच्छा होता है, पर मैं ठंडी पानी। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और हम जस्ट एयरपोर्ट की एरिया को क्रॉस कर रहे हैं। अगर कोई भी प्लान करते हैं एयरपोर्ट से मुन्नार जाने की तो शायद उसके लिए इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे होंगे कि कितने समय लगेंगे कवर करने में, जिस एरिया को मैं फर्दर कवर करने जा रहा हूँ मुन्नार तक जाने के लिए। ये एरिया पूरी पाम ट्री से भरी हुई है रास्ते के दोनों तरफ। अथिरापल्ली वाटरफॉल जाने के रास्ते में ही एक हैंगिंग ब्रिज पड़ता है, मेरे ड्राइवर ने बताया, तो मैं अभी वहीं आया हूँ। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। मैं जब भूटान गया था वहाँ पर भी मैंने पुनाखा में एक हैंगिंग ब्रिज पर गया था, जो
काफ़ी लंबी थी पर वो चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा हिल रही थी, उसका अलग ही मज़ा था, अलग ही एडवेंचर थे। पर ये ब्रिज बहुत ही कम हिल रहा है और मजबूती का तो जवाब नहीं। और सबसे अच्छी बात है इसके यहाँ के नज़ारे, ये वाटरफॉल जाने का वे है। हमने गेट से एंट्री कर लिया है थिरुप्पल्ली वाटरफॉल जाने के लिए, और जो वे है जाने का काफ़ी खूबसूरत है, पूरी ग्रीन है। पास से एक रास्ता है जाने का नीचे तक, वहाँ से नज़ारा काफ़ी अच्छा आएगा। पूरा पसीना से तरबतर हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमालय में ट्रैकिंग कर गया हूँ। अभी भी थोड़ी सी बाकी है उस पॉइंट तक पहुँचने में जहाँ से फुल व्यू मिलता है वाटरफॉल का। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बारिश के समय में ये पूरी ही भरी रहती है, अभी थोड़ी कम पानी है यहाँ पे। अगर आप बाहुबली मूवी देखे हैं तो उसमें जो वाटरफॉल दिखाया गया है वो यही वाटरफॉल है, यहीं पे बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। मुंडन जाते वक्त रास्ते में आपको कई जगह ऐसे पेड़ दिख जाएंगे, ये रबर के पेड़ हैं, इससे जम रही हैं। मुन्नान में एंटर करने के पहले ही हम बहुत बढ़ते हैं रास्ते में, हम भी कुछ पल के लिए रहते हैं।
मैं अभी मुन्ना स्पर्श गार्डन आया हूँ, जो मुन्ना जाते हुए रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिली। मैंने यहाँ पर से एक दिया है, ये मिक्स पूरी गरम मसाला जैसे चीज़ दिख रही है, 100 रुपये का। यहाँ पर पूरी हैंडलूम्स हैं, ये हमारी ना, ये मैंने लिया है अराउंड 1000 रुपीज़ पर, अच्छे क्वालिटी के हैं, राइट सर? अच्छा क्वालिटी है ना? अच्छा क्वालिटी। आपका शॉप का नाम क्या है? कसवाले। कसवाले। इनके यहाँ जो काम हो रहे हैं धोती बनाने का, आप वो भी देख सकते हो, मैंने उसको भी रिपोर्ट किया थोड़ी सी, वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। ओके सर, थैंक यू। अच्छा इधर कलर मिक्स हो रहा है। एक दिन में एक ही बनेगा? एक ही धोती का प्रोडक्शन है। इसमें ना कॉटन निकालने के लिए टाइम लगता है, इसे वीविंग करने के लिए टाइम लगता है, इसलिए इसका वाला कॉटन निकालने के बाद ही वीविंग करता है। ओके। इसका थ्रेड ऑलरेडी ऐसा पुट इन वाटर आफ्टर वीविंग, इसलिए वॉशिंग के बाद कलर फेड नहीं, श्रिंकेज नहीं, एकदम क्वालिटी वाला चीज मिल जाएगा। ओके। मैं भी एक रोड साइड शॉप में बैठा हूँ जहाँ चाय पी रहा हूँ। अभी 6:45 होने को है, मैंने सुबह में 7:45 पर स्टार्ट किया था। अभी भी मुन्ना 30 किलोमीटर दूर है और आज की जो भी जर्नी थी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कल हम निकलेंगे एक मुन्नार के साइड सीन के लिए, जहाँ पर कुछ टी गार्डन भी हैं, डैम भी हैं। दो हाथी, जंगली हाथी, जिसके लिए ये एरिया फेमस है। यहाँ पर कई सारे एलिफेंट क्रॉसिंग जोन बनाए गए हैं इसीलिए।